एशियन गेम्स में भारत का स्वर्णिम सफर जारी। 12वें दिन भारत ने जीते 3 गोल्ड मेडल। तीरंदाजी कंपाउंड इवेंट में महिला टीम ने किया कमाल। ज्योति अदिति और परनीत की तिकड़ी ने जीता गोल्ड। एशियन गेम्स के शानदार सफर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट। पदक विजेताओं को दी शुभकामनाएं। स्क्वॉश के मिक्स डबल्स में भी भारत ने किया कमाल। दीपिका हरिंदर पाल ने दिलाया गोल्ड। कंपाउंड पुरुष टीम तीरंदाजी में भी भारत ने किया कमाल। ओजस देवतले, अभिषेक वर्मा, जावरकर प्रथमेश ने दिलाया गोल्ड। स्क्वाश के मेंस सिंगल में सौरभ घोषाल का कमाल, हासिल किया सिल्वर मेडल। स्क्वाश में सौरभ घोषाल ने रचा इतिहास। पहले भारतीय खिलाड़ी बने जिन्होंने एशियन गेम्स में सिंगल इवेंट में लगातार 5 मेडल हासिल किए। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने सौरभ के शानदार प्रदर्शन पर खुशी जताई। ट्वीट करके पदक वीरों को बधाई दी। अंतिम बंगाल ने कुश्ती में किया कमाल। 53 किलो वेट कैटेगरी में हासिल किया ब्रॉन्ज मेडल। अंक तालिका में 4th स्थान पर भारत। अब तक 21 गोल्ड, 32 सिल्वर, 33 ब्रॉन्ज के साथ 86 मेडल भारत के नाम। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड ने दर्ज की जीत। इंग्लैंड को 9 विकेटों से हराया। न्यूजीलैंड की ओर से रचिन और डेवोन की जोड़ी ने सलामी बल्लेबाजी की। 36 ओवर में मैच किया अपने नाम। अहमदाबाद में क्रिकेट की दीवानगी का दिखा नजारा। व्यापारियों ने 60 ग्राम गोल्ड के वर्ल्ड कप ट्रॉफी, क्रिकेट किट और पिच बनाई। अहमदाबाद में वर्ल्ड कप को लेकर खासा उत्साह। गृहमंत्री अमित शाह के संसदीय क्षेत्र से 30,000 से ज्यादा महिलाओं को दिए गए मैच के टिकट। रांची में वर्ल्ड कप के लिए भारत की मेजबानी का दिखा उत्साह। क्रिकेटर्स ने भारतीय टीम का बढ़ाया हौसला। उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर के महालोक के दूसरे चरण के कार्यों का लोकार्पण। सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे महाकाल महालोक फेज 2 का उद्घाटन। भव्य वन क्षेत्र बना लोगों के आकर्षण का केंद्र। 50,000 से ज्यादा लोग दिन भर कर सकेंगे भोजन। 250 करोड़ की लागत से तैयार हुआ महाकाल लोक फेज 2। अभी 80% काम हुआ पूरा। महाकालेश्वर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तैयार हो रहा है खास सुरंग। टनल की ऊंचाई 30 फीट और लंबाई 100 मीटर से भी अधिक। महाकाल के दर्शन के लिए घंटों लाइन में लगने की नहीं पड़ेगी जरूरत। आम दिनों की अपेक्षा त्योहारी सीजन में भी सुगम होंगे महाकाल के दर्शन। मध्य प्रदेश दौरे पर जबलपुर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। राज्य को दी 12,600 करोड़ की सौगात। रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती पर जबलपुर पहुंचे पीएम मोदी। वीरांगना रानी दुर्गावती के स्मारक का किया शिलान्यास। रानी दुर्गावती की जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने स्मारक सिक्के और डाक टिकट भी जारी किए। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, विकास की गति को रुकने नहीं देना है। जबलपुर में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य रोड शो। महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह। मध्य प्रदेश से पहले था प्रधानमंत्री मोदी का राजस्थान दौरा। राजस्थान को दी 5,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात। सड़क, रेल, हवाई यातायात, स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा से जुड़ी कई परियोजनाओं का पीएम ने किया लोकार्पण और शिलान्यास। पीएम ने आईआईटी जोधपुर कैंपस का किया लोकार्पण। जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का भी शिलान्यास। जोधपुर एम्स के ट्रॉमा सेंटर का प्रधानमंत्री ने किया शिलान्यास। राजस्थान में 2 नई ट्रेन सेवाओं को दिखाई हरी झंडी। पीएम ने राजस्थान की इकलौती हेरिटेज ट्रेन का किया शुभारंभ। ट्रेन से सैलानी जंगल और पहाड़ों के सुंदर नजारों का लुत्फ उठा पाएंगे। लोकार्पण और शिलान्यास समारोह को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी खुली जीप में सवार होकर रावण का चबूतरा सभा स्थल पहुंचे। पंडाल में मोदी मोदी के गुंजन नारे। पीएम ने कहा, हर क्षेत्र में तेज गति से काम हो रहा है। हमारी कोशिशों का असर नजर आ रहा है। बीजेपी राजस्थान को नंबर 1 बनाएगी। दिल्ली में एनआईए की एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 2 दिवसीय बैठक।
बैठक में सभी राज्यों के एनआईए, आईबी, रॉ और एटीएस प्रमुख शामिल, खालिस्तानी गतिविधियों के खिलाफ एक्शन पर मंथन। एटीएस प्रमुख खालिस्तानी गतिविधियों से निपटने पर बनाएंगे रणनीति, बैठक का मुख्य एजेंडा खालिस्तानी आतंकवाद की कमर तोड़ना। कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की ईडी को मिली 5 दिन की रिमांड, ईडी की दलील सबूतों के आधार पर आरोपी से पूछताछ। कोर्ट में संजय सिंह पर ईडी के संगीन आरोप, आप सांसद के घर पर 2 करोड़ के लेन देन का दावा, बचाव पक्ष के वकील की दलील भरोसे लायक नहीं आरोप। संजय सिंह ने कोर्ट में कहा, मुझे झूठे केस में फंसाने की हो रही है साजिश, बोले अगर आप आरोप सच निकले तो कोर्ट दे कड़ी से कड़ी सजा। गिरफ्तारी पर बोले संजय सिंह, कहा मोदी जी 2024 में हार रहे हैं इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर बोले सीएम अरविंद केजरीवाल, कहा जांच एजेंसियों के समय की हो रही बर्बादी। प्रशांत किशोर का बयान, बीजेपी के साथ नहीं है तो आपके घर होगी छापामारी, देश में बन रही है ऐसी छवि। पेशी के दौरान संजय सिंह के पिता दिनेश सिंह राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर खड़े नजर आए, बोले बेटे को ईमानदारी की मिल रही है सजा। कोर्ट ने 10 अक्टूबर तक संजय सिंह को ईडी रिमांड में भेजा, बुधवार को शराब नीति मामले में छापामारी के बाद ईडी ने किया था गिरफ्तार। चंडीगढ़ में आप कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछारों का इस्तेमाल, संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ हो रहा प्रदर्शन। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। शराब घोटाले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई टली, सुप्रीम कोर्ट में 12 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। पश्चिम बंगाल के मंत्री रतन घोष पर ईडी का शिकंजा, नगर पालिका भर्ती में घोटाले में घर में तलाशी, 13 जगहों पर छापामारी। चेन्नई में डीएमके नेता एस जगत शकन के दफ्तर पर छापामारी, इनकम टैक्स की टीम ने घंटों तक तलाशी दस्तावेज। अभिनेता रणबीर कपूर ने ईडी से मांगी 2 हफ्ते की मोहलत, एजेंसी ने कल पेश होने के लिए भेजा था समन, ऑनलाइन गेमिंग केस में होनी है पूछताछ। कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी, हिना खान को भी ईडी का समन, दुबई की पार्टी में तीनों थे शामिल। पटना पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, एनडीए में नीतीश की वापसी को बताया बेबुनियाद, बोले अब बिहार में किसी को अपने कंधे पर नहीं बिठाएगी बीजेपी। जेपी नड्डा ने किया रोड शो, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल। राहुल ने वर्ल्ड एनिमल डे पर अपनी मां सोनिया गांधी को गिफ्ट किया पपी नूरी, राहुल ने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें। दिल्ली मेट्रो में सफर करने वालों के लिए आई गुड न्यूज, दिल्ली एनसीआर की सभी मेट्रो लाइंस पर उपलब्ध होगी ऑनलाइन व्हाट्सएप पर टिकट बुकिंग सेवा। दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन से मिले आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी, कई अहम मुद्दों को लेकर हुई चर्चा। यूरोप में आयोजित तैराकी प्रतियोगिता जीतकर स्वदेश लौटी गंदम क्वीन विक्टोरिया, कोच समेत अन्य लोगों ने मिठाई खिलाकर स्वागत किया। सूरत में नवरात्र के मौके पर होने वाली गरबा के लिए तैयारियां जोरों पर, हार्ट अटैक से बचाने के लिए गरबा पंडाल में खड़ी रहेंगी आईसीयू एम्बुलेंस। फाजिलका में धान की खरीद शुरू, किसानों को 24 घंटे में मिलेगा भुगतान, 72 घंटे में मंडियों से उठाया जाएगा माल। दिल्ली में रियल एस्टेट कंपनी एटमॉस्फेयर कोर ने अपना ग्रैंड इंडिया इवेंट प्रोजेक्ट एंट्रेंस प्रोजेक्ट किया लॉन्च, देश भर में 8 शहरों में चलेगा प्रोजेक्ट। पिथौरागढ़ में 7494 स्कूली बच्चों ने 10 मिनट में स्वच्छता अभियान के पोस्टर पर सिग्नेचर कर चीन का तोड़ा रिकॉर्ड, योग शिक्षक ने 1 मिनट 40 सेकंड में शीर्षासन में हनुमान चालीसा का पाठ कर रचा इतिहास। शिमला में 2 दिन की वर्कशॉप का किया गया आयोजन, प्राकृतिक आपदाओं को लेकर हुई चर्चा। पीलीभीत में ग्रामीणों को बाघ से बचाने के लिए जुटे 2 हाथी सूर्या और भीमा, 8 दिन से बाघ की चहलकदमी से दहशत में है गांव वाले। पटना के श्री हरिमंदिर साहब में तेज प्रताप ने टेका मत्था, कहा देश दुनिया की खुशहाली की दुआ मांगी। धनबाद में पानी में तैरते पत्थर को
राम सेतु मान रहे ग्रामीण, विधि विधान से मंदिर में हो रहा पूजा पाठ। चेन्नई में दिव्यांग क्रिकेट फैन को विराट कोहली की तस्वीर पर मिला कोहली का ऑटोग्राफ, फैन ने जाहिर की खुशी। नॉर्वे के आर्थर जॉन फॉसे को मिला नोबेल पुरस्कार, साहित्य के क्षेत्र में उत्तम योगदान के लिए किया गया सम्मानित। आध्यात्मिक नगरी पंढरपुर में तुलसी की खेती से लोगों को मिल रहा है रोजगार, तुलसी से बनाते हैं मालाएं और हार। न्यूजर्सी के अक्षरधाम मंदिर में महिलाओं का सम्मान में खास कार्यक्रम का आयोजन, पारंपरिक परिधानों में नजर आई महिलाएं। न्यूजर्सी में दिखी भारतीय परंपरा की झलक, महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा। हुगली में युवा कारोबारी लोगों के लिए बना प्रेरणा, कपड़े की फैक्ट्री लगाकर गरीब परिवारों को दे रहा रोजगार। तेजी से चल रहा जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कार्य, 2024 में होगी शुरुआत। पहले दिन हवाई अड्डे से होंगी 65 उड़ानें, केंद्र और राज्य सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है जेवर एयरपोर्ट निर्माण। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्विस एजुकेशन कंपनी के साथ साइन किया MOU, राज्य में शिक्षा में सुधार लाने का प्रयास कर रही सरकार। RSS का विजयदशमी उत्सव 24 अक्टूबर को, पद्मश्री शंकर महादेवन होंगे मुख्य अतिथि। जमशेदपुर में पुलिस ने रिकवर किए लोगों के खोए हुए फोन, वापस पाकर लोगों के चेहरे खिले।